हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं रवा की चाट। तो उसके लिए आपको सबसे पहले टमाटर, प्याज, ककड़ी और मैंने साथ में काटा है बब्बू कोशा। और उसके लिए सबसे पहले आपने रवा को 3-4 विसल दिलवा के उबाल लेना है। और उसके बाद उसमें आपने ये कटी हुई सैलड डाल देना है। आप खीरा भी यूज़ कर सकते हैं और फ्रूट में आप एप्पल और अमरूद कुछ भी यूज़ करें। 2 हरी मिर्ची डाल लेनी है आपने। उसके बाद नमक मिर्च, काली मिर्ची और चाट मसाला पूरा 1 चम्मच भर के डालना है। और उसके बाद आपने आधा नींबू निचोड़ना है इसमें और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। रवा की चाट उबालते समय आपको हल्दी नहीं डालनी है, ओनली नमक डालना है। और इसको ज़्यादा विसले नहीं दिलवानी, अगर ये गल जाएंगे तो फिर अच्छे नहीं लगते, ऐसे खड़े खड़े ही अच्छे लगते हैं। सिर्फ 3 विसल ही दिलवाएं आप। और पानी भी ज़्यादा नहीं डालना है ताकि आपको पानी इसका फेंकना नहीं पड़े ज़्यादा। अच्छी तरह मिक्स करके आप इसको थोड़ा काला नमक और जीरा पाउडर डाल के सर्व कीजिए। ये आपको मोठ की चाट से भी टेस्टी चाट लगेगी। आप बनाइए, ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए ये चाट आपको कैसी लगी। सिर्फ 5-10 मिनट लगते हैं इसको बनाने में और बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। जो वो सैलड नहीं खाते सब्जियां, तो वो इस तरह अच्छे से खा लेते हैं क्योंकि इसमें नींबू वगैरह चाट मसाला डला होता है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। We'll be right back.